सबस वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। और जी टी ए 5 रॉकस्टार की मेरा ख्याल आज तक सबसे बड़ी हिट गई है। एंड राइट नाउ ये गेम 2013 में लॉन्च हुई थी एंड इट्स 2021, ऑलमोस्ट 8 साल होने वाले हैं और इस गेम के वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव प्लेयर्स है। एंड आई हैव सीन इवन ऑन यूट्यूब, आपने भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रीमर्स देखे होंगे जिसे जी टी ए 5 की स्ट्रीम्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं। एंड आई हैव सीन पीपल जिन्होंने सिर्फ जी टी ए 5 से अपने चैनल्स काफ़ी ज़्यादा उठाए हैं। तो दैट इज़ एसेंशियली व्हाट वी आर गोना टॉक इन टुडेज़ वीडियो कि जी टी ए 5 इतनी पीक पे चल रही है तो व्हाई रॉकस्टार इज नॉट लॉन्चिंग जी टी ए 6। क्योंकि इस वक्त हमें जी टी ए 6 की जो लॉन्च डेट देखने को मिली है दैट इज़ अराउंड 2023, वी आर राइट नाउ इन 2021, तो अभी डेट से 2 साल पड़ा है जी टी ए 6 के लॉन्च में। लाइक 10 साल बाद रॉकस्टार क्यों एक गेम लॉन्च करेगा जो इतनी सक्सेसफुल है? लेट्स टॉक अबाउट इट नाउ। अब ग्रैंड थेफ्ट ऑटो के काफ़ी ज़्यादा फैंस इस वक्त हम कह सकते हैं ठंडे पड़ गए आफ्टर द लॉन्च ऑफ साइबरपंक 2077, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों को उससे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी और उस गेम में काफ़ी ज़्यादा बग्स और ग्लिचेस थे जिसने गेम को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया। एंड लोग उस वक्त रॉकस्टार पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डाल रहे थे कि वाई साइबरपंक 2077 इज़ नॉट कमिंग। तो रॉकस्टार ने उसको लॉन्च किया एंड इट वॉज अ बिग फेल और उसको काफ़ी क्रिटिसिज्म का निशाना बनाया गया। लेकिन नाउ पीपल आर सेइंग कि रॉकस्टार अपने जी टी ए 6 के लिए टाइम ले सकता, वी डोंट नॉट वॉन्ट अ क्रैप गेम लाइक दैट साइबरपंक 2077। लेकिन हियर इज द थिंग, जी टी ए 5 के एक्टर हैं शॉन फेंटेनो, जिन्होंने इंस्टाग्राम की एक लाइव स्ट्रीम में जी टी ए 6 के रिगार्डिंग कुछ बताया कि जो फैंस हैं रॉकस्टार के काफी ज्यादा हिलाफ बोल रहे हैं क्यों वो जी टी ए 6 को इतना लेट कर रहे हैं। एंड ही सेड दैट कि जी टी ए 6 एक ऐसी गेम है जिसको बनाते हुए काफी ज्यादा टाइम रिक्वायर्ड, ऑब्वियसली इट इज एन ओपन वर्ल्ड गेम और उसके अलावा जी टी ए ऑनलाइन भी बनाना पड़ेगा। ए ही सेड दैट। दूसरा उन्होंने कहा कि द बजट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर जी टी ए 6, क्योंकि इस गेम के लिए काफ़ी बड़ा बजट चाहिए। एंड थर्डली उन्होंने ये बताया कि जो नेक्स्ट जनरेशन कंसोल आ रहा है प्लेस्टेशन 5 और एक्सबॉक्स सीरीज एक्स, उसके लिए जो जी टी ए 5 का एक रीमास्टर्ड वर्जन आ रहा है वो पिछली गेम से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होगा, उसमें काफ़ी ज़्यादा एडिशंस होंगी एंड द फैंस विल रियली टेल इट कि हमें जी टी ए 5.5 जैसी एक चीज़ मिल गई, यानी समथिंग लाइक जी टी ए 5 और जी टी ए 6 के दरमियान एक गेम। लेकिन दैट इज़ द ओनली जस्टिफिकेशन ही गेव कि वो जी टी ए 6 को इतना लेट क्यों कर रहे हैं। लेकिन आई थिंक एंड दिस इज़ अ वेरी बिग रीज़न कि जी टी ए 6 इस वक्त इतनी लेट रॉकस्टार की तरफ से क्यों हो रही है। देखो जी टी ए 5 तो 2013 में आ गई थी एंड एट दैट टाइम उसको पहले साल में ही काफ़ी ज़्यादा सक्सेस मिल गई थी, अगर रॉकस्टार चाहता तो उसी वक्त जी टी ए 6 की प्रोडक्शन शुरू कर सकता था। लेकिन हियर इज़ द थिंग, जी टी ए 5 का जो ग्राफ है वो इस वक्त भी बिल्कुल ऊपर ही जाता जा रहा है एंड इट्स नॉट फॉलिंग डाउन इन एनी वे। तो रॉकस्टार को क्या ज़रूरत है इतने ज़्यादा पैसे और टाइम इन्वेस्ट करके एक नई GTA निकालने की, और देयर माइट बी अ चांस कि लोगों को GTA 6 ना पसंद है और उस वजह से GTA 5 के फैंस भी खराब होंगे और GTA 6 के फैंस भी खराब होंगे। जब से GTA ऑनलाइन आया GTA 5 की हाइप काफ़ी ज़्यादा बन गई है एंड देयर आर अ लॉट ऑफ प्लेयर्स फॉर GTA 5 और GTA ऑनलाइन स्पेशली रॉकस्टार को काफ़ी ज़्यादा पैसे दे रहा है। तो देयर इज़ नो रीज़न फॉर रॉकस्टार कि वो एक नई गेम लॉन्च करे जब GTA 5 इस वक्त भी इतनी सक्सेसफुल जा रही है। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा लोगों का क्वेश्चन ये था कि GTA 6 इतनी लेट हो रही है, इज़ देयर एनी पॉइंट या क्लू कि GTA 6 आ भी रही है या नहीं? तो यार आई थिंक दिस इज़ अ प्रीटी कॉमन सेंस कि एक टाइम के बाद जब GTA 5 रॉकस्टार को इनफ मिल्क कर लेगा तो आई डोंट थिंक कि GTA 6 ना आने का कोई रीज़न हो सकता है। लाइक दिस इज़ कॉमन सेंस, लेकिन ऑब्वियसली वी हैव लीक्स एंड र्यूमर्स और ऑफिशियल्स की तरफ से भी हमें कुछ स्टेटमेंट देखने को मिली है जिसमें GTA 6 के मोशन कैप्चर्स और वॉइस रिकॉर्डिंग्स अंडर वे हैं, विच मीन्स के गेम काफ़ी ज़्यादा हद तक बन चुकी है। लेकिन GTA ऑनलाइन एक बहुत बड़ा इशू है रॉकस्टार के लिए और जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा बजट और टाइम चाहिए जस्ट टू मेक एन अदर ऑनलाइन गेम। तो हो सकता है हमें GTA 6 के साथ GTA ऑनलाइन 2 देखने मिलेगा, ऑब्वियसली अगर एक नई GTA आ रही है तो उसका एक नया ऑनलाइन भी आएगा। तो आई थिंक रॉकस्टार इज टेकिंग दैट टाइम कि वो प्रॉपरली दफा एक गेम डेवलप कर सके, क्योंकि GTA रॉकस्टार की सबसे बड़ी सक्सेस है एंड इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट गेम्स गेमिंग की हिस्ट्री में। तो मेरा नहीं हाल अगर रॉकस्टार जल्दबाजी में इस गेम को लॉन्च करके खराब करने से बेहतर यही प्रेफर करेगा कि वो थोड़ा सा वेट करके गेम को परफेक्शन के पॉइंट तक बना सके, क्योंकि अगर ये गेम परफेक्ट ना बनी तो फैंस ने रॉकस्टार को तो बर्बाद ही कर देना। तो आई थिंक दैट्स द आंसर कि क्यों जी टी ए 6 2023 में आ रही है। द टाइम टेकन बाय द जी टी ए 6 एक फैक्ट ही है और द सेकेंडली जी टी ए 5 इस वक्त भी रॉकस्टार को काफ़ी ज़्यादा अर्निंग दे रही है और अगर वो जी टी ए 6 को पुश भी करें इस वक्त तो वो रॉकस्टार की बेवकूफ़ी होगी। सो या गाइस दैट्स बेसिकली इट फॉर टुडेज़ वीडियो, होप यू एंजॉयड इट, मेक श्योर टू ड्रॉप अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब द चैनल डाउन बिलो। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।